हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रद्धा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करना है फेस पे। हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। सनस्क्रीन जो है हमारी स्किन को सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं, यूवी रेज जो बोलते हैं, यूवी रेज से बचाने के लिए हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। यूवी रेज से हम स्किन को इसलिए बचाते हैं, यूवी रेज से जो है हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, टैन हो सकती है और ब्लैक स्पॉट्स भी हमारे स्किन पे आते हैं। सनबर्न जिसे बोलते हैं, सनबर्न होने से हमारे स्किन पे जो है ब्लैक स्पॉट्स भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। तो आज जो मैं सनस्क्रीन अप्लाई करने वाली हूँ या आज जो सनस्क्रीन मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है न्यूट्रोजिना का सनस्क्रीन। आप जब भी सनस्क्रीन खरीदते हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कोई भी सनस्क्रीन में SPF कितना है वो देखना चाहिए। जैसे इसमें SPF 50 प्लस है तो ये मोस्टली 30 के अबाव SPF वाला ही सनस्क्रीन आपको लेना चाहिए, अगर आप काफ़ी समय बाहर बिताते हो तो। और इसमें जो है अल्ट्रा वायलेट UVA और UVB भी होना चाहिए। तो आप जब भी सनस्क्रीन खरीदते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके सनस्क्रीन में कितना SPF है और UVA और UVB प्रेजेंट है कि नहीं। ये दो चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सनस्क्रीन लोशन में। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि इसे कैसे अप्लाई करना है। इसका क्रीमी टेक्सचर है इसका और अभी मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, मॉइस्चराइजर भी नहीं है। जस्ट डायरेक्टली आपको इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और इसे अच्छे से हाथ से ही हम स्प्रेड करेंगे फेस पे। सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है, इसे हम रहने देंगे ताकि ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सनस्क्रीन अप्लाई करने से क्या होता है कि हमारे स्किन को ये प्रोटेक्शन देता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो हमारी स्किन में जो है सनबर्न, हमारी स्किन जो है हमें सनबर्न नहीं होगा, हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी, टैन भी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों से सनस्क्रीन लोशन जो है हमारी स्किन को बचाता है, एक अच्छी सी लेयर बना लेता है स्किन पे, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हमारी स्किन में डायरेक्टली हमारी स्किन को हार्म ना करे। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो उसके 15-20 मिनट्स आपको 15-20 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है फेस पे। इसके ऊपर आप चाहे तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो। इसे जब हम अप्लाई करते हैं उसके 5-10 मिनट्स हमें वेट करना है, उसके बाद फिर हम इस पर कॉम्पैक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हो। सनस्क्रीन जो है हमें हर सीज़न में अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारी स्किन जो है, फेस की स्किन वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो यूवी रेज से उसे एक प्रोटेक्शन मिलती है अगर हम लोशन अप्लाई सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करते हैं तो। तो आप जब भी घर से बाहर निकलते हो कोई भी सीज़न हो तो हर होनी चाहिए फेस पे सनस्क्रीन की। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इस पर कॉम्पैक्ट कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। नीम का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर को मैं इसके एप्लीकेटर से ही अप्लाई करूँगी और ये मैंने इस पर ले लिया है। और आपको जस्ट प्रेस करना है पाउडर को, आपको रब नहीं करना है, नहीं तो आपका जो सनस्क्रीन है वो निकल सकता है। तो आपको जस्ट इसे प्रेस करना है। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद जो है हमारे फेस पे एक ऐसा थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ जाता है। अगर आपकी काफ़ी ऑयली स्किन है तो आप मैट फिनिश वाले भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, जो कि लोटस में मैट फिनिश वाले सनस्क्रीन भी आते हैं, वो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है तो न्यूट्रोजिना का जो सनस्क्रीन लोशन है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर भी अप्लाई कर लिया है। सो फ्रेंड,
फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई टुडेज वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल शिमरिंग श्रद्धा। टिल देन, बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।